तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू मैन लेटेस्ट वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं WWE के अपकमिंग पेपर व्यू यानी कि एक्सट्रीम रूल्स 2020 द हॉरर शो के बारे में, जहां पर हमें द शो ऑफ डॉल्फ ज़िगलर फेस करते हुए नजर आने वाले हैं WWE चैंपियन द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर का। एंड इस वाले मैच की किस तरीके से होने वाली एंडिंग, किस तरीके से इस वाले मैच के अंदर हमें विनर दिखाई देगा, कौन कौन से रिटर्न हो सकते हैं इस वाले मैच के अंदर, बाकी क्या होगा रिजल्ट, क्या ज़िगलर बन पाएंगे न्यू चैंपियन या फिर नहीं, सारी चीजों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं डिस्कशन। प्रोबेबली क्या हो सकती है इस वाले मैच की स्टिपुलेशन, तो मैं कह सकता हूं ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर एक्सट्रीम रूल्स 2020 मैच की जो हाइलाइट्स हैं एक तरह की आपको इस वाले वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो मैं 5 पॉसिबल एंडिंग्स की बात कर लूं तो चौथी और पांचवी एंडिंग आप सभी को पता है। एक एंडिंग ये हो सकती है कि ड्रू मैकइंटायर सीधा सीधा अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आए, और जो चौथी एंडिंग में बात कर लूं वो ये हो सकती है कि डॉल्फ ज़िगलर हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आए। लेकिन अब मैं बात कर लूं थर्ड एंडिंग के बारे में, किस तरीके से ये वाला मैच हमें एंड होता हुआ नजर आ सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि जो रॉबर्ट रूडी है वो हमें रिटर्न करते हुए नजर आए इस वाले मैच के अंदर, एंड वो हमें हेल्प करते हुए नजर आए द शो ऑफ डॉल्फ ज़िगलर के, जिसके कारण जो ज़िगलर है वो हमें इस वाले मैच के अंदर एक क्लीन विन ना हासिल करते हुए नजर आए, लेकिन स्टिल आप सभी को न्यू WWE चैंपियन बनते हुए नजर आए। देखो WWE ने जब ड्राफ्ट किया था ज़िगलर को रॉ के एपिसोड में, तो उन्होंने साथ ही साथ में रॉबर्ट रूडी को भी ड्राफ्ट किया था, तो मैं इसे कह सकता हूं एक काफी बड़ा चांस बनता है कि WWE एक्चुअली में ज़िगलर को न्यू चैंपियन बनाना चाहती है, तो क्यों ना रॉबर्ट रूडी है वो अटैक करे ड्रू मैकइंटायर के ऊपर और स्टिपुलेशन कुछ ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, और उसके बाद हमें इस वाले मैच के अंदर ड्रू मैकइंटायर जो है वो हारते हुए नजर आए एंड जो ज़िगलर है वो हमें जीतते हुए नजर आए जब रॉबर्ट रूडी इंटरफेयर करें इस वाले मैच के अंदर। अब जो मैं सेकंड नंबर पर थिंग रखने वाला हूं जो कि इस वाले मैच के अंदर हो सकती है, अब वो हो सकता है ओटिस का कैश इन, क्योंकि देखो जो ओटिस का कैश इन है वो WWE ने एक तरह का साइड पर ही रख दिया कि हम सब भूल गए कि भाई ओटिस कभी अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ के जीते थे, और उसे कैश इन उन्हें करना पड़ेगा WWE कंपनी के अंदर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ओटिस है प्रोबेबली कैश इन कर सकते हैं अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस WWE के एक्सट्रीम रूल्स वाले पेपर व्यू के अंदर, अगर इस वाले मैच के अंदर ज़िगलर हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं ज़िगलर और ओटिस की जो राइवलरी है वो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है WWE कंपनी के अंदर, और WWE ने सीधा जो ज़िगलर है उन्हें ड्राफ्ट किया था स्मैकडाउन लाइक एपिसोड से रॉ के एपिसोड के अंदर, यहाँ पर राइवलरी तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है, तो चांस बनता है कि जो ओटिस है वो हमें अपना कैश इन करते हुए नजर आए डॉल्फ ज़िगलर के ऊपर WWE के एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू द हॉरर शो के अंदर। एंड नंबर वन पे जो मैं पॉसिबिलिटी रखने वाला हूँ, इसके मुझे सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि इस वाले मैच के अंदर जो ड्रू मैकइंटायर है किसी ना किसी तरह जो ज़िगलर की स्टिपुलेशन है उसे ओवरकम करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन आप सभी को आते हुए नजर आने वाले हैं एंड वो लगा देंगे RKO द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर को। आप सभी को पहले बता दूं जो रैंडी ऑर्टन है उनका कोई भी मैच नहीं होने वाला एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर, एंड जो WWE एक्चुअली में उन्होंने आज ही जो पूरा एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू है वो टेप कर लिया है, और कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जो रैंडी ऑर्टन है वो भी स्टेज पे मौजूद थे, यानी कि जो एक्सट्रीम रूल्स 2020 का पूरा सेट था वहां पर मौजूद थे रैंडी ऑर्टन भी। तो अगर उनका कोई मैच नहीं होने वाला तो चांसेस यहां से काफी ज्यादा हाई है कि हो सकता है जो रैंडी ऑर्टन है वो हमें इस वाले मैच के अंदर काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आए, जब वो मैच खत्म होने के बाद RKO लगा दे ड्रू मैकइंटायर को, और इसे सीधा सीधा चैलेंज हमें मिलता हुआ नजर आए ड्रू मैकइंटायर को समर स्लैम पेपर व्यू के लिए। एंड WWE ड्रू मैकइंटायर वर्सेस द रिवाइवर विल रैंडी ऑर्टन के बीच समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर हमें एक WWE चैंपियनशिप मैच भी दिखाती हुई नजर आए। साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूं स्टिपुलेशन के बारे में कि इस वाले मैच के अंदर कौन सी स्टिपुलेशन प्रोबेबली ऐड होती हुई नजर आ सकती है, रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था किस तरीके से जो WWE वो इस बात को एडवर्टाइज कर रही है कि ये वाला मैच एक TLC मैच होने वाला है, लेकिन गाइस आपको बता दूं कुछ ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं सामने प्रोबेबली जो डॉल्फ ज़िगलर है वो हमें कुछ ऐसी स्टिपुलेशन चूज करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके कारण जो ड्रू मैकइंटायर है वो हमें हैंडीकैप मैच के अंदर रेसल करते हुए नजर आए, यानी कि कुछ इस तरीके से हो सकता है जो ज़िगलर है वो ये बात अनाउंस कर देंगे भाई ड्रू मैकइंटायर मेरी स्टिपुलेशन ये होने वाली कि मेरे साथ एक और बंदा तुम्हारा फेस करने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए, यानी कि कुल मिलाकर वो मैच होगा 2-on-1 हैंडीकैप मैच, जब हमें रॉबर्ट रूडी एंड डॉल्फ ज़िगलर दोनों एक मैच के अंदर हमें फेस करते हुए नजर आए ड्रू मैकइंटायर का WWE चैंपियनशिप के लिए। बाकी आपके हिसाब से इस वाले मैच के एंडिंग किस तरीके से हो सकती है, कौन सा मैच के अंदर हमें विनर दिखाई दे सकता है, क्या है इसके बारे में आपका सोचना, नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। बाकी गाइस ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। साथ ही साथ गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी, टिल देन बाय बाय टेक केयर।